4.5 इंच चौड़ी, 20 इंच लंबाई, डबल पट्टी यानी कि 40 इंच की लंबाई दे विच पट्टी है। तो इस दिन तीनों साइड इस तरह फोल्ड कर लाँगे, फोल्ड करके तो दिखाने हैं। तीनों साइड फोल्ड कर लिया है, फोल्डिंग साइड जो किया है लंबाई वाली साइड इस तरह ये लैस नूते नीचे अटैच कर देवांगे। लैस अटैच कर ली है, हम इस तरह घेर बनाने लिए पूरे घेर के उत्ते इस तरह करके एक एक इंच की दूरी पर चुन्नट पा लाँगे। चुन्नट पा के चलो तुहानू घेर बना के दिखाने हैं। अपना घेर बन के तैयार है, हम इसकी एक पट्टी दी है जो कि 2.5 इंच चौड़ी ते 6.5 इंच लंबाई दे विच है। इसनू इस तरह एक साइड तो फोल्ड करांगे, फिर इस साइड फोल्ड करके अपने नेफे देते अटैच करांगे। चलो तुहानू नेफा अटैच करके दिखाने हैं। अपना नेफा बन गया है, इस दे विच हुण आपां डोरी पा देंगे। तो इस चोली बनाने के लिए अपन एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई लगभग 11.5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच है। इसनों उल्टे पास्यों सिलाई लगा के फोल्ड करांगे, तो फिर इसनों सीधा करांगे। चलो तुहानू करके दिखाने हैं। सिलाई लग चुकी है, हम इसनों आपां एक स्टिक की हेल्प दे नाल सीधा कर लांगे। बहुत आसानी नाल सीधी हो जाती है। हम इसकी सिलाई वाली साइड पर टिश्यू रिबन के नाल इसनों इस तरह कवर कर देवांगे। चलो तुहानू कवर करके दिखाने हैं। अपना टिश्यू रिबन लग चुका है, हम इसनों इस तरह करके फोल्ड करांगे। तो इतने एक दोनों अटैच करके सिलाई लगा देवांगे। अपनी चोली बन चुकी है, तो हुण घेर दे अपना सेंटर दे विच इक निशान लगावांगे। अपनी चोली नूं बैक साइड रख के बिल्कुल सेंटर दे विच इस तरह इस सिलाई दे बिल्कुल नाल नाल इक सिलाई लगा देंगे। चलो तुहानूं सिलाई लगा के दिखाने हैं। चोली अपनी अटैच हो गई है, तो विच अपनी डोरी भी पा दित्ती है। तुहानूं मेरी कन्हैया जी की ड्रैस किस तरह लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर दसना। तो जे तुसीं मेरे चैनल दे उत्ते नवे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करियो, मेरे हरेक वीडियो नूं देखो, लाइक करो, शेयर करो। प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल नूं वायरल करो। थैंक यू।